नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट चैप्टर 3 सबट्रैक्शन ऑफ नंबर, पेज नंबर 51, सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास 3। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3 के पेज नंबर 51 के जो क्वेश्चन है इनके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 51 में आई नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए, ठीक है। ए नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार है कि 4759 माइनस 0, इसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। यहाँ बात बना रहे, देखिए किसी भी संख्या में हम 0 घटाते हैं, किसी भी संख्या में जैसे 1 में से 0 माइनस किए तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसा में किसी प्रकार हम इसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यही संख्या आएगी, यानी कि 4759। अब देखिए बी नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5864 माइनस 5864, 5864 में से 5864 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अगर किसी भी संख्या में से उसी संख्या को हम माइनस करते हैं क्या आता है, 0। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार ये संख्या इसी संख्या में से इसी संख्या को अगर माइनस कर रहा है तो क्या आएगा, 0। सी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये देखिए सी नंबर जो क्वेश्चन है, ये नंबर जो क्वेश्चन दिया है 5600 माइनस 0, 5600 में से 0 घटाएंगे तो ये खुद यही संख्या आएगी। आगे देखिए 1624 माइनस इसमें से क्या घटा दें, कितना आ जाए, ठीक है। मैंने ये 1624 में से क्या घटाए तो 1624 आ जाए, ठीक है। तो अगर इसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट यही संख्या आएगी, क्योंकि देखिए 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1, वही संख्या आती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें से क्या करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो ये 1624 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 2176 जैसे क्या माइनस करेंगे, 0 आ जाए तो खुद यही संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2176। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से क्या घट 0 घटा है, किस संख्या में से 0 घटा दे कितना आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ भरना है, यानी कि आप कौन सी संख्या होगी जिसमें से 0 माइनस करे थे इतना आ जाए, यानी कि इसी संख्या को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2149। अब आगे देखिए कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है 3105 माइनस 4703 और 2403 माइनस करना है। फिर देखिए यहाँ नीचे दो करना है, ठीक है। तो देखिए जो प्लस वाली जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये एक देखिए 3105 जो है प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि 2403 जो है ये भी प्लस में है। पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, प्लस वाली संख्याओं को हम एक कलम में जोड़ेंगे, ठीक है। जो प्लस वाली जो दो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्या क्या है, प्लस है, ये भी इसके इसमें देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये दोनों प्लस वाली संख्याओं को पहले कलम में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक ये ऊपर वाला जो कलम है इसको छोड़ दीजिए और दूसरे कलम में से लिखिए 3105 और एक ये प्लस वाली संख्या ही है, अब इसको लिख लीजिए 2403, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने आप लोग का आता ही होगा, देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है, ठीक है। 0 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होता है और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है, इस प्रकार ये हमको जुड़ने पर इतना है, ठीक है। अब देखिए जितना जोड़ने पर आया है, यानी कि ये 5508 जो आया है जोड़ने पर, इसी में से क्या कर देंगे, इस संख्या को हम माइनस कर देंगे, जो माइनस वाली जो संख्या है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों को ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर स्टूडेंट आया है इतना, यानी कि 5508, इसको लिख लीजिए 5508, ठीक है। और इसी संख्या में से ये माइनस वाली संख्या यानी कि 14703 को माइनस कर देंगे, यानी लिख लीजिए
4703। है सब में? अब इसको माइनस कीजिए तो एक में से थ्री माइनस करेंगे तो स्टूडेंट होता है फाइव, ठीक है, और जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो। अब यहाँ देखिए कि फाइव में से सेवन माइनस नहीं होगा, ठीक है, हम बगल वाली संख्या में से वन कैरी लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिफ्टीन, ठीक है, तो फिफ्टीन हो जाएगा, तो फिफ्टीन में से सेवन को माइनस करेंगे तो एट होता है, क्या होता है एट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब फाइव में से हम एक क्या किए हैं, वन माइनस वन बगल वाली संख्या को कैरी दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा फोर बचेगा, क्या बचेगा फोर, और फोर में से फोर स्टूडेंट कटाएंगे तो जीरो होता है, या इसको हम नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, इधर कोई संख्या का वैल्यू नहीं होता, लिख दीजिए, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ेंगे 805, इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 805 होगा, ठीक है, आज समझ में। तो स्टूडेंट हम ऐसे सवाल को इस प्रकार करते हैं, जो प्लस वाली संख्या है उनको पहले जोड़ लीजिए कलम में, ठीक है, और फिर जो माइनस वाली संख्या है इन दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है, यानी कि वैल्यू हमारा कितना है 805। इसी प्रकार हम यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसे घर से कीजिएगा, ठीक है। आज का जो क्लास है यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।